What's up everyone, कैसे आप लोग? Hope you are doing very well. This is Pratik, your corporate Katana, and welcome back to another video. So, आज हम लोग अपने डीमार्ट के बाहर खड़े हैं, तो शॉपिंग करने के लिए आए. ऑब्वियसली उस दिन जो हमने डेसिकेटेड कोकोनट लिया था, आपको याद रहेगा. ये वीडियो का लिंक है, ये वीडियो खत्म होने के बाद में वो वीडियो भी देख लेना, तो आपको लिंक लग जाएगा. बेसिकली मैं क्या बात, वो डेसिकेटेड कोकोनट आज हम करने वाले हैं यू. तो हम आज चिकन लेने के लिए स्पेशली बाहर निकले सुबह सुबह. देख सकते हो काफी सनी है आज एंड काफी अच्छा वेदर बना हुआ है. हमने सोचा कि क्यों ना इसी मौके का फायदा उठाया जाए एंड बनाया जाए कुछ बहुत ही ज्यादा यम. बीन सो लॉन्ग, मतलब हम जब भी निकले थे श्रावण चल रहा था, गणपति आने वाले थे, तो वो नहीं हो पाया. अभी आई गेस बहुत टाइम बाद हमें मौका मिलने वाला है, तो देखते हैं कैसे होता है. सो यस, ज्यादा टाइम वेस्ट नहीं करते हैं एंड चलते हैं सीधे मॉल के अंदर. सो यस, आज है वीकेंड, तो थोड़ी सी ज्यादा गर्दी होगी ऑब्वियसली, बट हाँ अभी अपन फटाफट सामान लेके चलते हैं वापस. सेक्शन तक पहुंच गए, तो देखते हैं अभी इसमें कौन सा वाला एग्जैक्टली लेना है. तो चिकन तो हम लोग ने ले लिया है, बाकी और कुछ चाहिए सोनिया जो बनाने के लिए काम आएगा? बनाने के लिए तो हम लोग ने आज नोटिस किया है कि यहाँ पे कड़ी पत्ता जो है वो नहीं बन रहा. ये क्या दिख गया हमें? क्या दिख रहा है? क्या लेना पड़ेगा भाई? यहाँ पे कुरकुरे दिख गए हमको, अनएक्सपेक्टेड, बिल्कुल ही ज्यादा नहीं समझ. आई गेस लंदन वगैरह में मिलना काफी पॉसिबल है, बट यहाँ पे नहीं मिलता यूजुअली. एक पैकेट तो लेना बनता है यार. सो हमने चिकन की शॉपिंग तो कर दी है. हाँ. ओ भाई, ये एम्बुलेंस की आवाज ना, मतलब एम्बुलेंस को यहाँ पे इतना ज्यादा प्रायोरिटी दी जाती है ना, कि मतलब अगर गाड़ी बीच में भी रहेगी ना तो फुटपाथ पे चढ़ा देंगे एंड एम्बुलेंस को जगह देंगे जाने के लिए. सभी कंट्री में फॉलो करनी चाहिए, बिकॉज पता नहीं ना इमरजेंसी कितनी सीवियर रहेगी. तो अभी हम लोग पहुंच गए घर पे, सुबह का टाइम है तो ब्रेकफास्ट करना अभी भी पेंडिंग था. बना लेते तुरंत ही ब्रेकफास्ट एंड चलेंगे चिकन की तरफ. A few moments later. So, अब जैसे ब्रेकफास्ट अपना हो गया, क्लीनिंग हो गया एंड अभी हम चलेंगे सीधा चिकन बनाने की तरफ. ये अपना चिकन होते कट करते हैं एंड मैरिनेट करते हैं. तो चलिए स्टार्ट करते हैं हमारा मालवनी चिकन बनाने के लिए. अभी हम डालेंगे सनफ्लावर ऑयल, अनियन डाल के थोड़ा सा सौते कर लेंगे. ऑयल काफी गर्म हो चुका है. अनियन हम इसमें ज्यादा नहीं यूज करते बिकॉज हमने वाटन बनाया है. सौते कर लेंगे अच्छे से. हम इसमें मसाले से ऐड कर देंगे. डालेंगे हमारा प्यारा तीखा लाल, ये है मालवनी मसाला. एंड ये रेसिपी का मेन मसाला है वराड़ी मसाला. ये मसाला चिकन का मेन कंटेंट है, इसके बिना टेस्ट आपको नहीं आएगा. अगर आपको ये मसाला चाहिए ये ऑनलाइन मिल जाएगा, बट इफ यू गाइस आर स्टेइंग इन थाने तो वाकबिल में आदि भोग करके एक शॉप है, वहाँ पे आपको ये मसाला डेफिनेटली मिल जाएगा. काफी अच्छा, मैंने भी वहाँ से लिया है. और आपको और भी कोई मसाले अगर चाहिए रहेंगे तो वो भी आपको वहाँ पे मिल जाएंगे. यू कैन कॉन्टेक्ट एंड ऑर्डर. खुशबू आना स्टार्ट हो गई गाइस. ऑलरेडी मुँह में पानी आना चालू हो गया है एंड वी कैन नॉट रियली वेट. सुनिया फटाफट थोड़ा थोड़ा और जल्दी बना सकते क्या इसको, थोड़ा कुछ करके? अच्छे खाने का सीक्रेट यही है कि पेशेंस रखना पड़ता है गाइस, बट इट्स टोटली वर्थ इट. फ्लेम हाई रखी है हमने फिलहाल, क्योंकि फटाफट हमें चाहिए कि वो कुक हो जाए. जब ही हम इसमें वाटन ऐड करेंगे तब हम फ्लेम थोड़ा स्लो करेंगे. अब मैं आपको दिखा दूँ कि हमने वाटन कैसे बनाया. अब जब भी कभी वाटन बना रहा है, मेक श्योर कीजिए कि आप उसको डीप फ्रीज में स्टोर कीजिए, जैसे कि मैंने किया. कुछ इस तरह दिखता है ब्राउन कलर का. ये हमने डाला है डेसिकेटेड कोकोनट. आप कोई भी ड्राई कोकोनट यूज कर सकते हो. आपको उसे अच्छे से रोस्ट करना है अंटिल गोल्डन ब्राउन. और सिमिलरली आपको अनियंस, जितना आप कोकोनट ले रहे हो उतना आपको अनियन लेना है. वो भी आपको रोस्ट करना है अच्छे से. उसमें अनियन में आपको थोड़ा सा गार्लिक डालना है, कोरिएंडर डालना है. वो सब रोस्ट करने के बाद में आप ये मिक्सचर
एक साथ मिक्सर में अच्छे से पीस लेते हो, वाटर ऐड करके ऑफकोर्स। तो कुकर पे सीटी लग जाने के बाद हम इसमें ऐड करेंगे ये वाटर और आपको फाइनल रिजल्ट्स दिखाते हैं। आर यू एक्साइटेड प्रतीक? बहुत ज्यादा, मतलब वेट नहीं हो रहा है कि कभी कुकर की सीटी लगेगी, वाटर इसमें ऐड होएगा एंड ये कुकर खुलेगा। मतलब खुल जा जल्दी। चिकन या मटन मालवनी स्टाइल का बनाती हूँ, उस दिन मैं प्रतीक से कुछ भी काम करवा सकती हूँ, बिकॉज ही विल डू एनीथिंग फॉर दिस रेसिपी। आज क्या करना है? चिकन अच्छे से कुक हो चुका है, अब हम इसमें वाटर ऐड कर देंगे। अभी ये ग्रेवी बन जाएगी थिक, एग्जैक्टली जैसे हमारे घर पे बनती थी। तो चिकन के साथ में जीरा राइस ना हो तो मतलब क्या ही मजा आएगा भाई। तो सोनिया अभी जीरा राइस बना रही है। तो जीरा राइस है यहाँ पे रेडी, चिकन यहाँ पे रेडी है, अभी हम खाने के लिए लेंगे फटाफट क्योंकि बहुत जोर से भूख लगी है। तो अभी हम फटाफट खाना खा लेते हैं क्योंकि वेट नहीं हो रहा है, आपसे मिलते हैं खाना खाने के बाद। तो अभी बहुत सारा चिकन खाने के बाद में हम इतने सारे डक्स के बीच से हम चल के जा रहे हैं, एंड हाँ खाना डाइजेस्ट होए, दैट इज़ द ओनली रीज़न कि हम चलने के लिए निकले। एंड देख सकते हो कितने सारे डक्स है, मतलब हर जगह डक्स। अभी हमको इनके बीच से नहीं जाना है बिकॉज पता नहीं कुछ भी हो सकता है। सो यस, खाना खा के हो गया है एंड हम निकले थोड़ा चलने के लिए, सो दैट हमारा जो खाना है वो अच्छे से डाइजेस्ट हो जाए एंड रात को भी नेक्स्ट राउंड के लिए हम तैयार हो जाए। बहुत हैवी खाना खा लिया। अगर आपको हमारी तरह नॉनवेज काफ़ी पसंद है तो मैं आपको बता देती हूँ कि यहाँ पे क्या क्या ऑप्शंस अवेलेबल है खाने के लिए। जैसे कि चिकन, मटन, पोक और बीफ काफ़ी कॉमन है यहाँ पे, आपको हर शॉप में मिल जाता है। ऑफकोर्स इंडिया के जैसे बुचर शॉप्स यहाँ पे काफ़ी कम है, तो यूजुअली पीपल एंड अप बाइंग फ्रोजन स्टफ, जैसे कि कल हमने लाया। को डिफरेंट टाइप्स ऑफ कट्स उसमें मिल जाते हैं, जैसे कि अगर आप चिकन ले रहे हो तो आपको उसमें ब्रेस्ट या ड्रम्स के पीसेस ईजिली मिल जाते हैं। मटन ले रहे हो तो मटन में भी काफ़ी ऑप्शन हैं, और यहाँ पे लोग प्रेफर करते हैं ज़्यादा पोक और बीफ खाना, तो उसकी वैरायटी तो बहुत ज़्यादा है एज़ कम्पेयर टू चिकन एंड मटन। अगर आप सी फूड फैन हो, मैं आपको सजेस्ट करना चाहूँगी कि अगर आप इंडिया से आ रहे हो तो सी फूड आप अच्छे से खा के आइए, बिकॉज सी फूड की क्वालिटी आपको उतनी पसंद नहीं आएगी जैसे हमें इंडिया में मिलती थी। सेम टेस्ट नहीं होता, काफ़ी फ्रोजन आइटम्स आपको मिलते हैं, ज़्यादा से ज़्यादा आपको प्रॉन्स यहाँ पे मिलेगा, बाकी फिश जैसे सुरमई हो गया, पॉम्फ्रेट हो गया या रावस हो गया वो आपको बहुत रेयरली मिलता है, और मिलता है तो काफी एक्सपेंसिव मिलता है, टेस्ट की आपको गारंटी नहीं मिलती है। सो बाकी चीजें तो सब सही है, जो मसाले है वो ही अगर आप कैरी नहीं करोगे तो आप आपके ऑथेंटिक डिशेस बना ही नहीं पाओगे। सो मैं ये सजेस्ट करूंगा कि आप आते समय जो भी आपके घर के मसाले ना वो अच्छे क्वांटिटी में आपके साथ कैरी करना, सो दैट आपको घर की टेस्ट एकदम यहाँ पे भी मिल जाए। और जो जनरल मसाले है जैसे टर्मरिक हो गया या मिर्ची पाउडर हो गई, कोरिएंडर पाउडर हो गई, तो वो सारी चीजें तो यहाँ पे मिल जाती है, बट आपकी जो ऑथेंटिक मसाले है जैसे हमारे केस में वराड़ी मसाला है या मालवनी मसाला है, तो वो सारी चीज़ें यहाँ पे अवेलेबल नहीं है। वी आर ग्लैड कि हमने अच्छे क्वांटिटी में हमने इंडिया से ही लेके आए हैं, तो वी डोंट फेस एनी प्रॉब्लम्स हियर इन टर्म्स ऑफ मेकिंग आर ऑथेंटिक फूड। सो आज का वीडियो अगर आपको पसंद आया तो डोंट फॉरगेट टू हिट दैट लाइक बटन, शेयर इट विद योर फ्रेंड्स एंड सब्सक्राइब टू आवर चैनल, और वो जो बेल आइकन है ना उसको भी दबा ही दें। सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो।